सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। रो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, सो आज की वीडियो में हम आपको भारत की खुफिया एजेंसी रो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप रो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रो क्या होता है। रो का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स और ये इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एजेंसी 21 सितंबर 1968 को स्टैब्लिश की गई। इस एजेंसी को स्टैब्लिश करने का मकसद भारत की पड़ोसी देशों पर निगरानी रखना और उनकी खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए किया गया। और हम आपको बता दें कि रो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हम इसे इंडियन डिफेंस फोर्स की इनविजिबल बैकबोन भी कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप रो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। रो में कोई भी फ्रेश कैंडिडेट को डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया जाता है। रो में रिक्रूट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से की जाती हैं। रो में होने के लिए आपको किसी भी डिफेंस सर्विस या सिविल सर्विस में होना जरूरी है और रो में रिक्रूट कैंडिडेट की सर्विस रिकॉर्ड को देख के ही किया जाता है। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी आपको रो में शामिल किया जाएगा। रो में शामिल होने के लिए आपका एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और अगर बात करें ट्रेनिंग की, इसकी ट्रेनिंग लगभग 1 ईयर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज से लेकर अदर खुफिया एजेंसी जैसे CIA, ISI, SI द्वारा चलाए गए अभियान के बारे में बताया जाता है। आपको ट्रेनिंग में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जानकारी के बारे में बताया जाता है और गुरुग्राम की ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज नेम के इंस्टीट्यूट में डिफरेंट लैंग्वेज की जानकारी भी दी जाती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी रो को ज्वाइन करना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।